दोस्तों आप देख पा रहे हो ये जा रही है ट्रेन। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्लेटफॉर्म बन चुका है और अभी फिलहाल मैं आपको ले चलूँगा बिरला नगर स्टेशन, वहाँ का अभी कुछ अपडेट दिखाऊंगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, तो बिरला नगर से जो है दोस्तों एक न्यू रेलवे लाइन डल चुकी है और उसका थोड़ा बहुत काम रह गया है और यहाँ से जो है परमानेंट ट्रेनें जाएंगी। जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, यहाँ पर जो है पहले तीन पटरियाँ हुआ करती थी, वहाँ पर एक चौथी पटरी डली थी, जिसका वीडियो मैं आपको एक साल पहले अपने ही चैनल पर दे चुका हूँ। अगर आपने उस अपडेट को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और दोस्तों और उसके बाद जो है एक पटरी और डल रही, यानी कि एक ट्रैक और बढ़ रहा है। तो आज का पूरा अपडेट उसी के ऊपर है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बिरला नगर स्टेशन और दोस्तों शुरुआत करते हैं यहीं से। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो उस साइड जो है रोड जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पर जो है पटरी के बगल से एक रोड बनाई जाएगी जिससे जो है यात्री का जो है रेलवे लाइन यानी कि ये बिरला नगर स्टेशन है यहाँ पर आ सकें। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो है पहले तीन पटरी हुआ करती थी, एक साल पहले यहाँ पर एक पटरी डली, अब दोस्तों प्रेजेंट टाइम में एक पटरी और डली है। यहाँ पर टोटल जो है पाँच रेलवे लाइन हो जाएंगी। तो दोस्तों देख सकते हो काम चल रहा है और अभी वहाँ पर जो है सामान वगैरह भी रखा हुआ है। और आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं कैसा क्या व्यू है। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो पटरी के बगल से जो है यहाँ पर बॉक्स फिट हो रहे हैं, जहाँ पर जो है सिग्नल का जो लाइटिंग कनेक्शन वगैरह रहता है वो चीज़ें और जो भी पटरी की जो चीज़ें रहती है रेलवे लाइन की वो सब सेटअप यहाँ पर होने वाला है। और दोस्तों उस साइड जो है ट्रैक चालू है, यहाँ पर आप मालगाड़ी देख रहे हो जा रही है, वो ट्रैक जो है फिलहाल चालू है। और दोस्तों जिस टाइम पर अभी हम चल रहे हैं जिस पटरी पर, वो फिलहाल अभी न्यू डली हुई है। और मैं आपको तमाम जगह से अलग जो रेलवे लाइन है उसके रोड के बगल से कुछ लाइनिंग गड्ढा करके यहाँ पे कुछ पैप फंसाई गई हैं, ये शायद सिग्नल वगैरह के हो सकते हैं। और ये जो व्यू आप देख पा रहे हो ये है मुरैना वाला पुल, यानी कि भिंड से मुरैना के लिए जो आप पुल पर जाते हो वो पुल का व्यू है। और नीचे आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है सरियों का कुछ पिलर जैसा बन रहा है, शायद इसके ऊपर जो है ट्रैक फिट किया जाएगा। और ये दोस्तों ये जो व्यू है वो है बिरला नगर स्टेशन के पास का। तो आप देख पा रहे हो ऊपर से आप पटरी वगैरह भी गिन सकते हो, पूरे चार प्लेटफॉर्म अभी यहाँ पर लगे हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको रोड जैसा व्यू दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो है पटरी अभी नहीं डली है, जो आपका जो न्यू प्लेटफॉर्म आ रहा है वो अभी बिरला नगर।
व्यू देख पा रहे हो वही है मुरैना वाला पुल, जो कि मैं आपको अभी आगे दिखा चुका हूँ। ये मेरे पीछे मुरैना का पुल है और ये है बिल्लानगर के आसपास का एरिया। और दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बिल्लानगर स्टेशन के पास, तो आप जहाँ से भी व्यू देख लीजिए और जानिए कि किस प्रकार से जो है बिल्लानगर स्टेशन है। और दोस्तों बिल्लानगर स्टेशन का पूरा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप जाकर देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है मैं आपको लिंक दे दूं, तो अगर नहीं मिलता तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो आप व्यू देख पा रहे हो, ये है दीनानगर पुल, यानी कि यादव धर्मकांडे से ये पुल निकलता है। और यहाँ से आप व्यू देख लीजिए किस प्रकार से आपको जो है यहाँ से ट्रेन की जो पटरी है न्यू डली है वो आपको दिखने वाली है। और दोस्तों यहाँ से आप साफ साफ जो है पटरी को गिन पाएंगे कि यहाँ पर जो है कितनी पटरी हो चुकी हैं। और दोस्तों अगर आपने इस जगह का वीडियो नहीं देखा तो इस जगह को जो है दोस्तों आउटर कहा जाता है, इसका वीडियो आपको अलग से हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, जो चलिए टाटा बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।